जो मेरठ में 3 तारीख को जो घटना हुई है उसके संबंध में जो है आज हम लोग जो है सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर हैं, प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि आयुक्त महोदय का जो है वहाँ से जो है ट्रांसफर हो और जो आगे जो भी कार्रवाई हो। किन समस्याओं को लेकर कार्रवाई की गई? कार्रवाई ये हुई है कि जो हमारा जो वहाँ कर्मचारी था उसको जो है पकड़ा गया और पकड़ के जेल भेज दिया गया और उसकी जमानत भी खारिज हो गई है। आगे जब तक जो है प्रांतीय लेवल का जो है आह्वान रहेगा जब तक हम लोग आगे जो भी कार्रवाई। परमानेंट कर्मचारी था या परमानेंट कर्मचारी था, रणवीर सिंह नाम था। कितने कर्मचारियों पर एफआईआर की गई है, क्या कार्रवाई की है? तीनों पर जो लोग नहीं, जो और पकड़े गए हैं वो लोग अलग थे, जो बैठे हुए जो काम कर रहे थे। मेरा नाम राजनाथ श्रीवास्तव, महाराज जनपद का महासचिव हूँ, उत्तर प्रदेश मिनिस्टर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का। आज का जो हमारा सामूहिक अवकाश प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर किया जा रहा है, हमारी समस्या ये है कि मंडलायुक्त मेरठ द्वारा हमारे 5 साथियों के खिलाफ जो मेरठ में कार्यरत हैं उन 5 साथियों के खिलाफ औचक निरीक्षण कर उनको जो है पकड़वाया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की और उनको जेल भिजवा दिया गया। वो नाकसूर हमारे कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को के बारे में हमारी कमिश्नर साहब से वार्ता भी हुई। हमने कमिश्नर साहब से कहा कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो FIR की है आपने FIR की है वो शासन आदेश के विपरीत है। शासन आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ FIR तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त द्वारा कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई और सीधे उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। इसके संबंध में हमारा ये आंदोलन चल रहा है जी। हमारे मांग ये है कि हमारे जो साथी अंदर हैं उनके मंडलायुक्त द्वारा नायब तहसीलदार मेरठ के द्वारा जो FIR वापस की गई है वो FIR वापस की जाए और मंडलायुक्त का और जिस नायब तहसीलदार ने मंडलायुक्त का ट्रांसफ़र किया जाए और जो नायब तहसीलदार ने FIR कराई है उस नायब तहसीलदार को निलंबित किया जाए। ये हमारा आज का कार्यक्रम है। इसके बाद हमारा अगली रणनीति लखनऊ में प्रांतीय आह्वान नेतृत्व जो कहेगा उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये जो कार्रवाई मेरठ में 3 अगस्त को जो हुई है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में ना तो प्रशासनिक स्तर से होनी चाहिए थी न किसी और स्तर से होनी चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अंदर जितने भी हमारे प्रदेश के कलेक्ट्रेट में कर्मचारी कार्यरत हैं, सन 2005 के बाद से वहाँ से भर्तियों की संख्या शून्य हो गई है। शासन ने आरोप लगा दिए जिसके कारण से हर साल जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी हम प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जब हम उनकी प्रतिपूर्ति नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सीटें खाली रहेंगी तो उसका दबाव कर्मचारी पर आना स्वाभाविक है। एक एक कर्मचारी के ऊपर 3-4 सीटों का कार्य आ रहा है। अधिकारी ये नहीं देखते कि किस परिस्थिति में कर्मचारी कार्य कर रहा है और उसको किस तरह का वातावरण उनको देना चाहिए। जी इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि जो कर्मचारी एक से अधिक पटलों पर काम कर रहा है तो ये उत्तरदायित्व वहाँ के उसके मुखिया का है, उसके कमिश्नर का है, उसके शासन का है कि वो इस बात को विशुद्ध रूप से कहीं और विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ अटैच कराए जिससे कि एक कर्मचारी दबाव नहीं बने। जब आप खुद ही इस स्थिति में कर्मचारी को ला रहे हो कि वो किसी और तरीके से आगे कार्य करे तो क्या करेगा वो? बिल्कुल उचित नहीं है। हमारा अभी कर्मचारी इस बात के लिए संकल्प हो गए हैं कि हमारी सीट का जो काम है हम वही करेंगे, एक्स्ट्रा कार्य जो दिया जाता है हम उसका काम बिल्कुल नहीं करेंगे और इस तरह के प्रकरणों को बिल्कुल आने नहीं दिया जाएगा। और हमारा फिर से ये अनुरोध है कि जो भी शासन में बैठे लोग हैं वो कम से कम कलेक्ट्रेट विभाग में या जिस विभाग में कर्मचारियों की आधी से कम की संख्या रह गई है वहाँ पर कर्मचारी और विभाग के वहाँ पर अटैच कर दें जिससे कि इस कार्य की पुनरावृत्ति ना हो।